नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांग। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हिसार में देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार एयरपोर्ट में एयर टैक्सी की शुरुआत की। हिसार से चलने वाली एयर टैक्सी के लिए 4 सीटर प्लेन उड़ान भरेगा। एयर टैक्सी की शुरुआत के बाद अब चंडीगढ़ महज 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा देहरादून और धर्मशाला के लिए भी एयर टैक्सी से पहुंचा जा सकेगा। इसका किराया महज 1,750 रुपये होगा। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावनाओं को जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं, इसलिए इन हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता। अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ ली है। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ एचजेपी के साथ पार्षद समेत 20 निगम पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद की शपथ लेने के बाद कहा कि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। मेयर पद की शपथ लेने के साथ ही शक्ति रानी शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में नारे लगाए। शपथ ग्रहण के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा निगम कार्यालय पहुंची, जहां निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने नई मेयर का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा अपने कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मेयर पद का कार्यभार संभाला। अंबाला में कांग्रेस के पार्षद राजेश मेहता ने कांग्रेस को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ज्वाइन कराई पार्टी। वार्ड 5 से पार्षद है राजेश मेहता। देशभर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है मकर संक्रांति। गंगा समेत कई नदियों में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। फतेहाबाद के किसानों ने कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जैसे दिल्ली बॉर्डर पर रोजाना 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठते हैं, उसी तरह फतेहाबाद में भी रोजाना 11 किसान कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल करें। किसान नेताओं ने कहा है कि आने वाली 16 जनवरी को एक बाइक रैली निकालकर भी लोगों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया जाएगा और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का न्योता दिया जाएगा। सिरसा के सुभाष चौक पर किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई। मीडिया से बातचीत में किसानों ने कहा कृषि कानून के वापस होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से नाखुश किसानों ने कहा कि जो किसान कृषि कानून के समर्थन में है, उन्हें ही कमेटी में शामिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर बोलते हुए कहा राज्यपाल जल्द विधानसभा का सत्र बुलाए। उन्होंने कहा प्रदेश की परिस्थितियों के हिसाब से सेशन बुलाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कई के चेहरे बेनकाब होंगे। सरकार जेजेपी और अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जेजेपी और निर्दलीय विधायक कानून के खिलाफ हैं। सरकार का स्टैंड जन भावनाओं के खिलाफ। घरौंडा के बस्ताड़ा टोल पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही राज्यपाल और राजभवन का घेराव करेगी। सैलजा ने कहा सरकार को जन भावनाओं के अनुरूप तुरंत कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। सरकार के अड़ियल रुख के कारण किसानों को विकट हालातों में विरोध करना पड़ रहा है। रतिया में फसलों को नहरी पानी न मिलने से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने से फसल बर्बाद हो रही है, इसकी वजह से किसान खेती छोड़ने को मजबूर है। किसानों ने सिंचाई विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं निकला है। खेतों तक जो नाला बनाया गया है वो बार बार टूट जाता है। पानीपत के निजामपुर गांव में घर के बाहर घूम रहे पति पत्नी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। हमले में पत्नी के अस्पताल में मौत हो गई है। पति की हालत अभी भी गंभीर है।
लड़की के परिजनों ने इस हमले में आरोपी लड़की के पति विकास पर ही लगाए। परिजनों ने कहा है कि लगातार दहेज की मांग को लेकर उनकी लड़की को तंग किया जा रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में क्रेटा गाड़ी पर सवार व्यक्ति ने शहर के बीचों बीच कई वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में भारी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। इस दौरान पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। हादसे में 3 लोग घायल हुए, इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों ने बताया कि उनकी बाइक को गाड़ियों को टक्कर मारी गई। कुछ लोग घटनास्थल पर यह बता रहे हैं कि टक्कर मारने वाला व्यक्ति नशे में था, जबकि कुछ का कहना है कि उसको दौरा पड़ा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि केंद्र काले कृषि कानून को रद्द करना ही पड़ेगा और अन्नदाता की जीत होगी। 70 से ज्यादा शहीद हुए किसानों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि अन्नदाताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि 15 जनवरी से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने के लिए जन जागरण अभियान के तहत किसान ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे। इसके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश में मुर्गों के प्रसिद्ध प्रजाति कड़कनाथ में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद अंबाला शहर में पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। पशुपालन विभाग की टीम ने कड़कनाथ के फार्म में निरीक्षण किया, मुर्गों की जांच की गई। पशुपालन विभाग ने पाया अंबाला में अभी कड़कनाथ में किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं है। कड़कनाथ फार्म के मालिक ने बताया है कि बर्ड फ्लू के बचाव के लिए फार्म में पूरी तरह से सावधानियां बरत रहे हैं। पंचकुला के सुखदर्शनपुर गौशाला का हवन पूजन कर उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। माधव गौशाला ट्रस्ट की ओर से संचालित की जाएगी गौशाला। भिवानी में किसानों ने कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर के विरोध की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को होने वाले रणजीत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि 19 जनवरी को भिवानी शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसकी अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में एलनाबाद के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, कृषि कानून का विरोध किया। इस मौके पर किसानों ने आम लोगों से भी 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचने की अपील की। बता दें किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी दी है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक दिव्यांग किसान दिल्ली की ओर निकल चुका है। बता दें कि किसान जगतार सिंह किसानों को अपना समर्थन देने दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। करनाल के कमला गांव में महापंचायत में काफी नुकसान हुआ है। कई ग्रामीणों और किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ है। इसमें कमला गांव के किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। किसानों के नुकसान को देखते हुए सत्ता के हलके से बीजेपी विधायक और कमला गांव में किसान महापंचायत कार्यक्रम का संयोजक अरविंदर कल्याण का कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी जल्द भरपाई करेगी। कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगाने के फैसले के बाद भी किसान अपने आंदोलन पर को स्थगित नहीं करना चाहते हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अटवा चौक कुचर्रा किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे हैं। किसान नेता बलविंदर सिंह ने कहा कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगाई जाए, लेकिन किसान चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। पलवल में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार ट्रैक्टर में बैठकर रवाना हुए। उनके साथ 24 पाल के सैकड़ों की संख्या में किसान भी ट्रैक्टर में बैठकर रवाना हुए। सोनीपत सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि लोगों के हितों में फैसला होता है ना कि लोगों के खिलाफ। साथ ही उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। बब्बू मान ने कहा कि सभी का हक होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, हम भी यही कर रहे हैं। बब्बू मान ने देश की जनता को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा मैं ये कामना करता हूं ऐसा कोई भी कानून न बने जिससे कोई भी शख्स दुखी हो। उत्तर भारत का मकर संक्रांति और लोहड़ी का पावन त्यौहार पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। इस त्यौहार की गरिमा उस घर में सर्वाधिक होती है जहां लड़के की शादी हुई हो या उस परिवार में किसी लड़के ने जन्म लिया हो। परिवार में किसी लड़के के जन्म के बाद यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने अपने इष्ट देवता की पूजा होती है। इसमें मक्की के फूले और चिल्वा का इस्तेमाल किया जाता है। यमुनानगर में भी इस त्यौहार को मनाया गया। यमुनानगर में महिला अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट हरजीत कौर के साथ मिलकर लोहड़ी को मनाया। इस दौरान जहां लोहड़ी के गीत गाए गए तो फिर वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सहित जिला प्रोग्राम अधिकारी रेणु छाबड़ा ने लोहड़ी पर डांस किया। महिलाओं ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी है। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोहड़ी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाओं ने भी इस अवसर पर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। सिरसा में आप जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का लघु सचिवालय में अनशन अभी भी जारी है। मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर के वो रोष जाहिर कर रहे हैं।
आप विधानसभा अध्यक्ष की गिरफ्तारी और परिवार पर मुकदमा दर्ज करने का मामला है। इस पर मांग है कि मामले को फिर से निष्पक्ष जांच की जाए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं होने तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को फुल ऑटोमेटिक एनालाइजर टेस्टिंग मशीन की सौगात मिली है, इससे अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को राहत मिल सकेगी। नागरिक अस्पताल में कोरोना टेस्ट के साथ ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और लीवर संबंधित सभी टेस्ट की मुफ्त में सुविधा मिलेगी। प्रदेश के साथ साथ अम्बाला के लिए भी राहत की खबर है। कोरोना वैक्सीन की एक खेप अम्बाला पहुंच चुकी है, अब केवल टीकाकरण का इंतजार है। अम्बाला में पहले चरण में करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन का टीकाकरण। रेवाड़ी जिले के लिए कोविशील्ड की 5,700 डोज अलॉट की गई है, सभी 5,700 डोज वेयरहाउस में रखवा दी गई। पहले चरण में रेवाड़ी में 5,300 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री के तापमान की जरूरत है। हिसार में पुलिस की मुस्तैदी से एक युवती के साथ हैवानियत की कोशिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक एक युवती को उसके रिश्तेदार ने ऑटो में किडनैप कर लिया और दुष्कर्म करने के इरादे से ऑटो को सुनसान जगह पर ले जाने लगा, लेकिन पुलिस की टीम ने आरोपियों को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को डीएसपी भारती डबास लीड कर रही थी। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए ऑटो को पीछा किया। युवती ने बताया कि उसका अपहरण किया गया। जींद में कॉलेज की छात्रा पर अश्लील पंक्तियां कसने वाले मंचले को पुलिस ने सबक सिखाया है। महिला पुलिस ने मंचले की परेड भी निकलवाई। इसके साथ ही महिला पुलिस ने पीड़ित लड़की से माफी भी मंगवाई, साथ ही मंचले के परिजनों को मौके पर बुलाकर मंचले की हरकतों से अवगत करवाया। कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। आवारा पशु लोगों पर हमला करके उनको घायल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र को आवारा पशुओं से फ्री बनाने का अधिकारियों का दावा खोखला नजर आ रहा है। शहर में चारों तरफ आवारा पशु घूमते नजर आएंगे, इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में आए दिन आवारा पशुओं के चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन अधिकारी इस पर गंभीर नहीं। फरीदाबाद में घर के अंदर जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर 24 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी तांत्रिक हैं। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पीड़ित नीतू मीणा की माने तो उनके घर में अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी। पीड़ित परेशान होकर सहारनपुर के रहने वाले इन दोनों तांत्रिकों से संपर्क किया। आरोप है कि ये तांत्रिक नीतू के घर पहुंचे और फिर उससे कहा कि उसके घर पर खजाना छुपा हुआ है जिसको वो निकाल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकन के व्यापार और आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। सीएम केजरीवाल ने पोल्ट्री मार्केट खोलने के निर्देश दिए हैं। 17 जनवरी को सिरसा में आयोजित होने वाली लेबोरेटरी अटेंडेंट और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बैठक की। बैठक में उपायुक्त के द्वारा सभी सुपरवाइजर को अपने अपने परीक्षा केंद्रों का एक दिन पहले निरीक्षण करके ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि सिटिंग प्लान सही हो और केंद्र में सुविधाओं की कमी ना हो। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जनवरी को वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। सिरसा के 5 बूथों पर टीकाकरण होगा। 7,500 वैक्सीन का स्टॉक सिरसा पहुंचेगा, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच स्टोर किया जाएगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री लाइव देखेंगे, बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। कैथल के निर्वाणा बिल्डिंग अशोका सिनेमा के पास सीएम फ्लाइंग के द्वारा 2 दुकानों पर रेड मारी गई, जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथीन का स्टॉक और डिस्पोजल का स्टॉक मिला। सीएम फ्लाइंग के द्वारा दोनों दुकानदारों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और माल को जब्त किया गया है। भिवानी में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भिवानी के संत कबीर मंदिर के दानपात्र से 35,000 से 40,000 रुपए की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी चोरी बावड़ी गेट के एक मकान में बनाए गए गुरुद्वारे का दानपात्र एक मोबाइल ले जाने की सूचना पुलिस को मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। फरीदाबाद के गांव नंगापुर में बीती रात तक एक तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो कि एक ऊंची दीवार पर कुत्ता खड़ा हुआ था। तेंदुआ उसका शिकार करने की फिराक में छुपा हुआ था। तेंदुए को देखते ही कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और वहां से भाग निकला, जिसका पीछा करने के दौरान तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में तेंदुआ झाड़ियों की तरफ वापस जाता हुआ दिखाई दिया।
रीवा जिले में अब किसान परंपरागत खेती की जगह मिश्रित खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इससे किसान अनाज के साथ साथ सब्जियां उगा रहे हैं, इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया है कि किसानों को फलों की खेती के लिए प्रेरित किया गया है। इसके लिए किसानों ने अमरूद, मौसमी, किन्नू और सफेदा समेत कई फलों के पौधों को उनको मुफ्त में दिया गया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो रही। अंबाला में ठंड और कोहरे से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठंड से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो फिर वहीं कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक में नेशनल हाईवे 9 पर कोहरे और धुंध के बीच एक ट्रक खराब हो गया। इसके बाद एक ट्रक की टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 225 नए केस मिले हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,65,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 17,000 से ज्यादा नए केस, 201 लोगों की मौत तक कुल मरीजों की संख्या हुई 1,05,00,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 3,556 नए केस, 70 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 52,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में 11 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 6,31,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,94,000 के पास, 5,75,000 से ज्यादा ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 9,27,00,000। कोरोना के चलते 19,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,23,00,000 के पार। एक्टिव केस 92,47,000। ब्राजील में कोरोना से 2,00,000 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 82,57,000 के पार। रूस में कोरोना के चलते 63,000 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान, रूस ने अब तक 28,54,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32,11,000 के पार, 84,767 लोगों की मौत।